कोरोना वायरस को मात देने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के इलाज के लिए हर रोज नई स्टडी सामने आ रही है। कोरोना के इलाज में कारगर बताई जाने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी का इस्तेमाल भारत में शुरू हो गया है। इसके शुरुआती नतीजे राहत देने वाले हैं। गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने कोरोना के मरीजों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी दी। डॉक्टरों के मुताबिक इस थेरेपी से 12 घंटे के भीतर कोविड-19 के दो मरीजों के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ। यदि सर गंगाराम हॉस्पिटल की मेडिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट माने तो सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर पूजा खोसला ने बताया कि 36 वर्षीय एक स्वास्थ्य कर्मी तेज बुखार, खांसी, मांसपेशी दर्द, बेहद कमजोरी और व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी से पीड़ित थे। उन्हें मंगलवार को बीमारी के 6 दिन एंटीबॉडी कॉकटेल दिया गया। डॉक्टर पूजा खोसला ने बताया कि इस तरह के लक्षण वाले मरीज मॉडरेट से सीरियस स्थिति से तेजी में पहुंच जाते हैं। इस मामले में 5 दिन तक मरीज को तेज बुखार रहा और व्हाइट ब्लड सेल्स स्तर 2600 तक गिर गया था। इसके बाद उन्हें थेरेपी दी गई, जिसके 8 घंटे बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। एंटीबॉडी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंटीबॉडी की एक कॉपी है जो एक विशिष्ट एंटीजन को टारगेट करती है। इस इलाज का इस्तेमाल पहले इबोला और HIV में किया जा चुका है। वहीं दूसरा मामला 80 वर्षीय मरीज RK राजदान का है। वह डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित थे, तेज बुखार और खांसी के शिकार भी थे। अस्पताल ने एक बयान में बताया, सिटी स्कैन में हल्की बीमारी की पुष्टि हुई। उन्हें 5वें दिन REGN-COV2 दिया गया। मरीज के स्वास्थ्य में 12 घंटे के भीतर सुधार हुआ है।